लेशमानिया डोनोवानी फॉर BSc पार्ट फर्स्ट जोलॉजी पेपर फर्स्ट। इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे काला आजर, दम दम फीवर या ब्लैक फीवर कहते हैं। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, चरणनंगक फ्लैजिला होते हैं और शरीर पेलिकल द्वारा आस्तरित रहता है। सब क्लास है जू मैस्टिकोफोरा, इसमें क्रोमेटोफोर अनुपस्थित होते हैं, एक या अधिक फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, काइनेटोप्लास्ट उपस्थित होता है। जीनस लेशमानिया, स्पीशीज है डोनो वानी। लेशमानिया जीनस सबसे पहले रॉस नामक साइंटिस्ट ने 1903 में क्रिएट किया था और इसकी जो स्पीशीज है डोनो वॉनी, इसको रिपोर्ट किया था लेशमान ने और डोनोवैन ने, इसलिए इसका नाम दिया गया है लेशमानिया डोनो वॉनी। यह मनुष्य को, कैटल्स को, डॉग, शीप, हॉर्स इत्यादि को इन्फेक्ट करता है और इसका जो वेक्टर है वो एक ब्लड सकिंग सेंड फ्लाइज है। जीनस इसका है फ्लीबोटोमस। ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है जो कि ब्लड की ल्यूकोसाइट्स में या लीवर और स्प्लीन की सेल्स में पाया जाता है। इसके द्वारा मलेरिया के समान डिजीज उत्पन्न होती है मनुष्य में, जिसे काला अजर, दमदम फीवर या ब्लैक फीवर कहते हैं। हैबिट्स एंड हैबिटाट, लेशमानिया मनुष्य की ल्यूकोसाइट्स, लीवर सेल्स, प्लीहा या स्प्लीन, बोन मैरो या लिम्फेटिक ग्लैंड्स की सेल्स में अंतराकोशिकीय या इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और ये रोग सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। ये है सैंड फ्लाई। यह परजीवी दो रूपों के अंदर पाया जाता है, पहला है लेशमानियल या ए मैस्टिगोट फॉर्म और दूसरी है लेप्टोमोनाट या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। लेशमानियल फॉर्म, ये इसका डायग्राम है, ये कशेरुक पोशी वर्टिब्रेट होस्ट या मनुष्य के अंदर मिलता है और अंतराकोशिकीय है, ब्लड सेल्स में पाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी है, अंडाकार या गोलाकार होता है, इसमें एक मध्य में या एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस पाया जाता है, काइनेटोब्लास्ट और ब्लीफेरोब्लास्ट उपस्थित होता है, इनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है और इसका डायमीटर 2 से 4 माइक्रोन होता है। दिस इज दूसरा है लेप्टोमोनाट या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ये इनवर्टिब्रेट होस्ट या सैंड फ्लाई के अंदर मिलता है, ये वाला, ये और ये, ये उसकी सैंड फ्लाई की मिडगट के अंदर पाया जाता है। ये लंबा तरकुरूपी होते हैं, बड़े इसके अंदर एक बड़ा और मध्य में स्थित न्यूक्लियस पाया जाता है और काइनेटोब्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट स्थित होते हैं। ब्लीफेरोप्लास्ट से एक लंबा स्वतंत्र फ्लैजिला अग्रसिरे पर निकलता है, ये फ्लैजिला है। इसकी लंबाई 15 से 20 माइक्रोन होती है और इनकी चौड़ाई 1 से 2 माइक्रोन तक होती है। सेल मेम्ब्रेन पतली, लचीली, इलास्टिक, डेलिकेट, फर्म बॉडी कवरिंग जिसे पेलिकल कहते हैं पाई जाती है। यह शरीर को एक निश्चित शेप देती है। फ्लैजिलम लेशमानियल फॉर्म के अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है या ये बहुत अधिक रिड्यूस्ड होता है, ये साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है, जबकि जो लेप्टोमोनाड फॉर्म है जो कि सैंड फ्लाइड में पाया जाता है वो यूनिफ्लैजिलेट है, उसमें एक फ्लैजिला मिलता है। ये फ्लैजिला लंबा और
एक छोटे बेसल ग्रेन्यूल आधारी कण या ब्लीफेरोप्लास्ट जो कि अग्र सिरे पर स्थित होता है उसके द्वारा निकलता है। इस ब्लीफेरोप्लास्ट के पास में ही एक पैराबेसल बॉडी मिलती है जिसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं और इनके अंदर साइटोस्टोम या कोशिका मुख अनुपस्थित होता है। फ्लैजिला की संरचना किस तरह की है? 9+2 का अरेंजमेंट इसके अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म कलरलेस रंगहीन होता है, समांगी है और बाह्य एक्टोडर्म व आंतरिक एंडोडर्म या सॉरी बाह्य एक्टोप्लाज्म और भीतरी एंडोप्लाज्म में विभेदित रहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस, ब्लीफेरोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियस एक होता है सिंगल, या तो शरीर के मध्य में पाया जाता है या एक तरफ परिधि की तरफ स्थित होता है, वेसिक्यूलर है और इसके अंदर स्पष्ट न्यूक्लियोलस पाया जाता है और ये एक डबल यूनिट मेम्ब्रेन जिसके अंदर छिद्र होते हैं उसके द्वारा कवर्ड रहता है। मेटाबॉलिज्म या उपापचय, न्यूट्रिशन या पोषण। लेशमानिया में मुख या साइटोस्टोम का अभाव होता है, अतः इसमें पोषण स्पोरोजोइक या मृतपोषी प्रकार का होता है जो कि परपोषी से अपनी जो शरीर भित्ति है उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। श्वसन में गैसियस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान और उत्सर्जन की क्रियाएं जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन सामान्य शरीर सतह से विसरण के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन या जनन, जनन लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है और अलैंगिक जनन हमेशा अनुदैर्ध्य द्विखंडन के द्वारा संपन्न किया जाता है। लाइफ साइकिल ये डायजेनेटिक है, एक द्विपोषी परजीवी है। मनुष्य या कुछ अन्य कशेरुकी इसके प्राथमिक या मुख्य परपोषी होते हैं। इसके अंदर ये अपनी एमेस्टिगोट रूप में पाया जाता है। द्वितीयक या मध्यस्थ परपोषी या वाहक इसमें होते हैं अकशेरुकी, ब्लड सकिंग इंसेक्ट सैंड फ्लाई और रिजर्वायर होस्ट, और इसके अंदर ये अपना प्रोमेस्टिगोट फॉर्म व्यतीत करते हैं। रिजर्वायर होस्ट जो होते हैं वो डॉग्स, जैकॉल, जर्बिल्स, स्क्विरल्स इत्यादि होते हैं। इसके अंदर परजीवी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये सिंपली उसके अंदर रहते हैं जब तक कि इसको नया ह्यूमन होस्ट ना मिल जाए। नेक्स्ट है मनुष्य में लाइफ साइकिल इन मेन। सबसे पहले मनुष्य इन्फेक्शन या संक्रमण। मनुष्य में लिशमानिया का प्रवेश सैंडफ्लाई फ्लियोबोटोमस के काटने पर होता है। बड़ी संख्या में परजीवी लिशमानिया सैंडफ्लाई की बकल कैविटी और फेरिंग्स में पाए जाते हैं, मतलब मुख गुहा और ग्रसनी के अंदर पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों में ये लिशमानिया अनुपस्थित होते हैं। जब भी ये सैंडफ्लाई स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो ये उसके अंदर उपस्थित लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को स्किन के अंदर जो ये घाव उत्पन्न करते हैं उसके अंदर छोड़ देती हैं। मल्टीप्लिकेशन या गुणन, इसमें से कुछ फॉर्म्स जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जबकि जो परजीवी यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर जाते हैं वो लेशमानियल या एमेस्टिगोट रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और यहाँ पर फिर इनमें द्विखंडन के द्वारा ये मल्टीप्लाई होते हैं। इसके फलस्वरूप होस्ट सेल्स बहुत एनलार्ज हो जाती है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन।
जब इन परजीवियों की संख्या 50 से 200 या इससे भी ज़्यादा हो जाती है तो पोषी कोशिका फट जाती है और ये परजीवी स्वतंत्र हो जाते हैं और अब इन्हें नई होस्ट कोशिका में ये प्रवेश कर जाते हैं और फिर से इनमें ये गुणन के द्वारा ये विभाजित होते हैं। कुछ एमएस्टिगोट जिन्हें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स द्वारा भक्षण कर लिया जाता है और ये पैरासिटाइज्ड सेल्स जो हैं ये जनरल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर घूमते रहते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। लाइफ साइकिल इन सेंड फ्लाई। सेंड फ्लाई में पहले ये ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं। इन्फेक्टेड व्यक्ति का, संक्रमित व्यक्ति का रस चूसने पर एमेस्टिगोट रूप सेंड फ्लाई में प्रवेश कर जाते हैं। सेंड फ्लाई की मिडगट या मध्यांत्र में एमेस्टिगोट रूप लंबे होकर प्रोमेस्टिगोट रूप के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और यहाँ पर इन प्रोमेस्टिगोट रूप के अंदर अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है और 6 से 8 दिन के अंदर ये ग्रसनी और मुख के अंदर फैल जाते हैं और यहाँ पर इन्हें गुच्छों के रूप में देखा जा सकता है। इनके फ्लैजिला आपस में उलझ जाते हैं और यहाँ एकत्रित होकर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार जब ये सैंड फ्लाई, ये इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई जब मनुष्य के बाइट करती है तो इन परजीवियों का झुंड सैंड फ्लाई द्वारा बनाए गए घाव पर छोड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई मनुष्य को इन्फेक्ट करती है। काला अजर या दमदम फीवर। लेशमानिया डोनवाली एक खतरनाक बीमारी उत्पन्न करता है जिसे काला अजर, दमदम बुखार कहते हैं। यह रोग मुख्यतः भारत, चीन, मेडिटेरियन कंट्रीज और अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। रोग की शुरुआत में बुखार आता है, लगातार बुखार बना रहता है और स्प्लीन और लिवर, स्प्लीहा और लिवर यकृत के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में बहुत कमजोरी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है और ब्लैक सिकनेस, डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। एडवांस स्टेजेस के अंदर रोग की अधिकता की स्थिति में रोगी की चमड़ी या स्किन सूखी, खुरदरी, काली और धब्बेदार हो जाती है। इसी लक्षणों के कारण इसे काला अजर कहते हैं। बाल बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं और टूटने लगते हैं और यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की, मरीज की 2 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन अवस्था जो कि बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण के कारण होती है। असाइनमेंट